बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में पीएमसीएच है और पीएमसीएच की स्थिति देख लीजिए। सुबह 8 बजे से लाइट कटी हुई है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। यह हमारा कहना नहीं है, ये राजद का कहना है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को लगातार विपक्ष के द्वारा घेरा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के कामों को घेरा जा रहा है। मामला फिर पुल गिरने को लेकर हो, बिहार में आपराधिक घटनाएं को लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, अब एक बार फिर से राजद के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएमसीएच में सुबह 8 बजे से लाइट कटी हुई है, चारों तरफ गंदगी है, और अब इसको लेकर ही राजद ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, आप उस वीडियो को देखिए। हमारे स्क्रीन पर वो वीडियो अभी भी चल रहा है। दरअसल बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है और विपक्ष में राजद यानी महागठबंधन आई है, तब से लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव खुद सोशल मीडिया के जरिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, उन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार बिहार में पुल गिरने को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि दिल्ली से बड़े नेता आते हैं और बिहार में 90 के दशक के जंगल राज के बारे में गुणगान गा के चले जाते हैं। जंगल राज को आम जनता को याद दिलाने को कहते हैं, तो जरा भी देख लीजिए कि बिहार में क्या अभी भी मंगल राज है। लगातार लोग जो हैं वो मर रहे हैं, दिन दहाड़े अपराधी जो हैं वो गोलियां चला देते हैं, और इस पर प्रशासन और सरकार जो है वो मुंह ताकती हुई नजर आती है। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव नहीं, राजद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में सुबह 8 बजे से बिजली कटी हुई है, कमरे गंदगी से अटे पड़े हैं, अस्पताल कर्मी और मरीजों के लिए सुविधाएं नदारद हैं, मरीज अपने परिजनों के भरोसे हैं, हर रोज कमोवेश यही स्थिति रहती है, बीजेपी और नीतीश के तथाकथित मंगल राज का यही सार, यही नमूना है। देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव और राजद के भी सोशल मीडिया अकाउंट से नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह के पोस्ट किए गए हैं। इससे पहले भी जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार विपक्षी द्वारा सरकार पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन सारे सवालों का बीजेपी, एनडीए की सरकार और जिस तरीके से सीएम नीतीश के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जदयू क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।